का जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है, अपनों के नाम कर जाती है। अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। हम काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि तुम हमारी दी हुई फैसिलिटीज को टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हो। हम भी तो कई सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं और अचानक एक दिन आपको प्रमोशन देकर हमारे सर पे बिठा दिया। हमने तो कभी गुस्सा नहीं किया था। क्या तुम अपने सारे रीति रिवाज भूल गई हो? अरे दीपक के रहते बहू के हाथ और कान दोनों सुने हैं, कितना बड़ा अपशकुन होता है ये। मैं उन लोगों को अपने स्कूल में नहीं रख सकती जो मलिका जी के दुश्मन हो। मैं आपको ये नौकरी नहीं दे सकती। दयाल के पास सिर्फ तुम्हारी आवाज ही रिकॉर्ड नहीं है, तुम्हारे SMS भी उसने सेव करके रखे हैं। मतलब तुम ये सोच रहे होगे कि पुलिस को सबूत देकर मेरा क्या फायदा होगा? मेरा फायदा नहीं तो मेरा नुकसान भी नहीं होगा। पर हाँ, तुम्हारी बहन को अगर जेल हो गई तो उसकी इज्जत तो पानी में मिल जाएगी ना। अरे नहीं दयाल, ऐसा मत करना। अब पैसे पहुंच जाएंगे, खाली हमको ये बता दो कि पैसा लेके कब और कहां पहुंचना है। ये हुई ना बात। और हाँ, मैं कल फोन करूंगा। अरे बहुत तेज खोपड़िया है इस आदमी की। बताओ बहना, अब क्या करना है इस आदमी का? फिलहाल तो उसे पैसे दे देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि आगे क्या करना है। बेटा तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? नौकरी मिली? आप भी कैसी बातें करती हैं अम्मा, इतनी जल्दी नौकरी मिलती है क्या? अच्छा ये सब बातें छोड़िए, ये बताइए पापा की तबीयत कैसी है? बुखार तो उतर गया है, अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। मैडम जी, दीपक साहब का घर यही है जी? कहिए। ये जूस। जूस? लेकिन हमने तो कोई जूस नहीं मंगवाया था। सोहन साहब ने पूरे महीने का पैसा जमा करवाया है, ये लीजिए। क्या हुआ आकांक्षा? देखो ना माँ, सोहन ने ये जूस भेजा है और पूरे महीने के जूस के पैसे भी दे दिए। ये सोहन बिना न जाने कौन सा जन्म का रिश्ता निभा रहा है। बिना कहे हमारी कितनी मदद करता है, इसका एहसान कैसा चुका पाएंगे हम? माँ अभी ये वक्त इन सब बातों को सोचने का नहीं है, अभी हमें सिर्फ पापा के बारे में सोचना है। तुम ठीक कहती हो, मैं खाना बनाती हूँ। आपके पापा प्रोफेसर हैं? क्या नाम है आपके पापा का? जी दीपक वर्मा। दीपक वर्मा? हाँ मैम। कहीं ये वही तो नहीं जिन्होंने मलिका थापर के बेटे पर केस किया था
शास्त्री जी के मर्डर का आरोप लगाकर? सॉरी आकांक्षा, ये जॉब आपको नहीं मिल सकती है। लेकिन क्यों मैम, अभी अभी तो आपने कहा था कि मैं मंडे से ज्वाइन कर सकती हूँ, और अभी आप ये कह रही हैं कि ये नौकरी मुझे नहीं मिल सकती। क्योंकि मैं उन लोगों को अपने स्कूल में नहीं रख सकती जो मलिका जी के दुश्मन हो। उनके यहाँ से हमारे स्कूल को बहुत बड़ा फंड मिलता है। बेटा आकांक्षा, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? ठीक था दादी माँ, अभी तक कहीं से जवाब नहीं आया है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें कहीं ना कहीं काम तो मिल ही जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक राय दूँ? हाँ हाँ दादी माँ बोलिए। तुम घर में बच्चों को ट्यूशन देने का काम क्यों नहीं करती? आजकल तो प्राइवेट ट्यूशन मिल ही जाते हैं। जी मैं इसके लिए कोशिश करूंगी दादी माँ। अच्छा दादी, मेरी आज तृष्णा दीदी से बात हुई थी, वो अभी पापा की तबीयत को लेकर बहुत परेशान है। हो सकता है कि 2-3 दिन में मिलने के लिए आए। वैसे भी काफी दिन हुए तृष्णा को देखे हुए, पता नहीं क्यों आजकल तृष्णा के लिए मेरा मन बड़ा परेशान रहता है। वो आ जाएगी ना तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। जी दादी माँ। सुकन्या हमारी बेटियां। अरे आप आ गए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम आपके लिए खाना लगा देते हैं। ओके। क्या बात है अपूर्व, आज आपका मूड बड़ा अच्छा है, कोई खास बात है क्या? तृष्णा आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मीटिंग सक्सेसफुल रही है और मुझे पूरा यकीन है कि ये डील हमें मिलेगी और इससे शायद मलिका जी की नाराजगी मुझसे थोड़ी दूर हो जाएगी। ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स थी क्या? हाँ तृष्णा, कुछ दिनों से मलिका जी मुझसे नाराज है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बात और आगे बढ़े, क्योंकि मैं एक कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ और मलिका जी मुझे कामयाब इंसान बना सकती है। सॉरी अपूर्व, हमें नहीं मालूम था कि आपके ऑफिस में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ तृष्णा कि अभी मैं अपना करियर बनाने में लगा हूँ, मेरे सामने घर की प्रॉब्लम्स मत आने दो, इस घर को संभाल लो तृष्णा, ताकि मैं अपना पूरा ध्यान अपने करियर बनाने में लगा सकूं। अपूर्व आप निश्चिंत रहिए, आप अपना ऑफिस संभालिए और हम यहाँ घर को संभाल लेंगे, और आज के बाद कभी भी आपको घर की वजह से कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, और ये आपसे हमारा वादा रहा। और तृष्णा क्या हुआ उस ड्राइवर का, मिला पुलिस को? अरे हाँ, हम तो आपको बताना ही भूल गए थे, आकांक्षा का फोन आया था, जब तक उस ड्राइवर के घर पहुंची तब तक उसकी मौत हो गई थी। इस बात से वो बहुत परेशान है। देखो तृष्णा, मैं तो यही कहूंगा कि तुम
आकांक्षा से कहो कि वो इस मामले से दूर हो, नहीं तो कोई नई परेशानी ना खड़ी हो जाए। अपूर्व, आकांक्षा नहीं मानेगी। उसे जब से पता चला है कि पापा का एक्सीडेंट एक साजिश है, वो दिन रात एक कर रही है उन कातिलों को पकड़ने के लिए। ठीक है तेजा, उसे जो करना है वो करे, लेकिन उससे कहो कि ये सब बातें तुम्हें ना बताया करे, क्योंकि इससे हमारी जिंदगी पर असर पड़ रहा है। लेकिन अपूर्व, तेजा मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। वो तुम्हें फोन करके ये सब बताती है, तुम परेशान हो जाती है और फिर तुम्हारा ध्यान इस घर में नहीं लगता। इससे अच्छा तो यही होगा कि कम से कम तुम तो इस मामले से दूर रहो। कुछ देर के लिए पापा से मम्मी घर जा सकते हैं क्या? देखो ये बात तुम माँ से पूछो, अगर वो कहती है तो चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ले ले खाना लगा। अरे दीपक के रहते बहू के हाथ और कान दोनों सुने, तुम्हें इतना भी नहीं पता कितना बड़ा अपशकुन होता है ये। हम एक संस्था चलाते हैं जो हमेशा ऐसे लोगों की मदद करती है। अब जेवर तो नहीं दे सकते, हाँ खाने पीने का इंतजाम जरूर कर सकते हैं। जी खाना तैयार है। माँ जी क्या सोच रही हैं आप? कुछ भी तो नहीं, तुम बताओ तुम क्या कह रही थी? माँ जी पहले आप बताइए कि आप क्या सोच रही थी। मैंने आपको आवाज दी लेकिन आपने सुनी ही नहीं। इसका मतलब है कि जरूर कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। माँ जी जितना मैं आपको जानती हूं उसके हिसाब से तो सुमित्रा जी आपके सोच की वजह है। माँ जी आप उनकी बातों से क्यों दुखी हैं? माँ जी दुनिया को तो बातें बनाने की आदत है, हमें तो अपना घर देखना है, ये देखना है कि सब कुछ कैसे सही तरीके से चलाया जाए। इसीलिए आप परेशान मत होइए। नहीं बहू, मुझे सुमित्रा की बात का बुरा नहीं लगा,
बल्कि वो सच कह रही थी। दीपक के होते हुए तुम्हारे हाथ कान खाली रहे, ये तो बड़ा ही अपशुगन है। और एक बात है बहू, मैं खुद भी तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। मैं आपकी बात समझती हूँ माँ जी, लेकिन हमारे पास अभी वक्त नहीं है कि हम शगुन अपशकुन के बारे में सोचे। अब यही देखना है कि ये घर कैसे चलाया जाए और इनका इलाज कैसे किया जाए। बस आकांक्षा के पापा अच्छे हो जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा शगुन है। अब सोच विचार छोड़ दीजिए और चलकर खाना खाइए। चलिए ना। तुम चलो बहू, बस मैं माला जप के आ ही जाती हूँ। ठीक है। मुझे बहू को गहने पहनाने ही होंगे, वरना लोग मुझे भी ताने मारेंगे और साथ में पार्वती को भी परेशान करेंगे। लेकिन क्या करूं, सारे पैसे तो दीपक के इलाज में खत्म हो गए। सुकन्या हमारी बेटियां। अरे दादा, आप कैसे हैं? अरे हम तो एकदम चकाचक है, तू कैसा रे बबुआ? बस आपकी कृपा है दादा, सब बढ़िया है। खुश रहे, खुश। अरे ई ले तो रहे ना, खुश है ना? हाँ दादा। अरे बेटा, वो दिन तो तूने कमाल कर दिया, बस कमाल। अपनी खोपड़िया का जो तूने इस्तेमाल किया है, हमारा दिल खुश हो गया। वो दिन फोन जो है वो स्पीकर पर था, पर मल्लिका हमारे पास खड़ी थी। तूने अगर एक शब्द भी गलत बोल दिया होता ना, तो हमारी तो पोल खुल जाती, सब किए किराए पर पानी फिर जाता। अरे शाबाश बेटा, शाबाश। ये तो हम आपकी टोन से ही समझ गए थे दादा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। या तो वहां मल्लिका खड़ी हुई है या कोई और। इसलिए ठीक हमने वैसा ही किया जो आप हमसे पूछना चाहते थे। हमने ठीक वैसे ही जवाब दिया, ठीक वैसे। अरे बबुआ, इसी को तो कहते हैं सोहबत का असर। हमारे साथ रह रहकर तू भी बहुत होशियार हो गया रे। अभी कहाँ दादा, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। वो सब तो ठीक है, अब एक काम की बात सुनो। हमें जल्द से जल्द मल्लिका के साथ एक ऐसा सौदा करना होगा जिससे हम उससे बहुत मोटी रकम वसूल कर सकें। इतनी मोटी रकम कि उसे हम अगर साल भर भी दोनों हाथों से खर्च करें तो भी वो पैसा खत्म ना हो, समझे? लेकिन दादा, आप तो पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना चाहते थे, फिर अब ये सब क्यों? अरे पूरी प्रॉपर्टी तो हम अपने नाम करके ही रहेंगे, उससे हमें दुनिया में कोई नहीं रोक सकता।
का है दयाल, तब तक के लिए जितना बटोर सकते हैं उतना तो बटोर लेना, आज का बाद में देखेंगे। हाँ, जैसा आप ठीक समझे दादा। वैसे हम एक आपसे बात पूछें। हाँ पूछो, काहे नहीं। 40 लाख दिखते कैसे हैं? अरे वो भी दिखा देंगे तुझे एक दिन कि 40 लाख रुपया दिखते कैसे हैं। लेकिन दयाल, बहुत ही सावधानी बरतने का समय शुरू हो गया है। तुम ना तो हमको फोन करोगे और ना ही हमसे मिलने की कोशिश। जब भी कोनो काम होगा ना, हम खुद ही तुम्हें बताएंगे। समझ गए ना? समझ गया दादा, समझ गया। थैंक्स। थैंक्स किस बात के लिए? तुमने मेरे बिना कहे जो कुछ भी किया उसके लिए। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी सोहन, लेकिन जब डॉक्टर ने पापा के लिए मेडिसिन और जूस के लिए कहा तो थोड़ी देर के लिए मैं भी परेशान हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब का इंतजाम मैं कैसे कर पाऊंगी, लेकिन तुमने मिनटों में इसे हल कर दिया। वो इसलिए क्योंकि मेरे इस परिवार में फिलहाल सिर्फ मैं जॉब कर रहा हूं। जब तुम जॉब करना शुरू कर दोगी तो हम दोनों मिलकर इस परिवार की जिम्मेदारी उठाएंगे। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? क्या होना था? किसी ने प्रोफेशनल डिग्री ना होने की वजह से मना कर दिया, तो किसी ने कोई सोर्स ना होने की वजह से। एक दो जगह और एप्लीकेशंस लगाई हैं, देखो क्या होता है। कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है दोनों की। अगर भगवान ने चाहा तो इन दोनों की जोड़ी बनाए रख सकता है। मैं एक काम करता हूँ, अपने एडिटर से भी बात करके देखता हूँ, शायद उनकी कोई पहचान हमारे काम आ जाए। आकांक्षा बेटा, खाना तैयार है, चलो दोनों आ जाओ। जी माँ, हम अभी आते हैं। जल्दी आना। सोहन, मैं ऐसा सोच रही थी कि हमें उस ड्राइवर की बीवी से भी एक बार मिलना चाहिए, हो सकता है कि हमें कुछ पता चल जाए। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जब भी तुम वहां जाना चाहो मुझे बता देना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है? अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना, बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या सुकन्या।